हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए है और आप चाहते हो एक अच्छे सा ईयरफोन लेना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आज आपको दिखाऊंगा एमआई ईयरफोन का बेसिक वाला मॉडल का अनबॉक्सिंग और मैं आपको बताऊंगा कि ये ईयरफोन आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बॉक्स पैक की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो बॉक्स काफी नॉर्मल सा बॉक्स है। एमआई का यहाँ पर लोगो दिया गया है साइड में और यहाँ पर सामने लिखा गया है एमआई ईयरफोन बेसिक। और यहाँ पर आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हो और जो एमआरपी बॉक्स में मेंशन किया गया है वो है 599 रुपीज़ का। लेकिन आप ये MI.com या फिर Amazon में या फिर Flipkart में आप खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में। और यहाँ पर मैं यहाँ पर जो ऑर्डर दिया हूँ वो है कलर, यहाँ पर रेड कलर का। और यहाँ पर ऊपर में आपको कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ये टाइप है इन ईयर टाइप का और ये ईयरफोन का वेट है सिर्फ और सिर्फ 14 ग्राम का। यहाँ पर जो केबल लेंथ है वो है 1.25 मीटर का, जैक टाइप है 3.5 mm का और यहाँ पर जो रेटेड पावर है वो है 5 मिलीवाट का। तो काफ़ी सिंपल सा बॉक्स है। तो चलिए हम अभी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर जो ईयरफोन है वो कैसा है। तो और यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा एमआई ईयरफोन और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ईयरपीस आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसको आप अपने कान के साइज के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये रहा एमआई का ईयरफोन। तो चलिए हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो ईयरफोन है वो कैसा है। तो केबल काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक माइक्रोफोन दिया गया है और यहाँ पर एक बटन दिया गया है जहाँ से आप इस कोई भी कॉल को रिसीव कर सकते हो या फिर गाने को पॉज या फिर फास्ट फॉरवर्ड या फिर यहाँ पर बैक जा सकते हो इस बटन की मदद से। और जो केबल है वो ब्रेडेड केबल नहीं है, नॉर्मल सा जो रबर का केबल होता है कुछ ऐसा ही केबल है। लेकिन जो केबल का थिकनेस है काफ़ी बढ़िया थिकनेस है आपका। और ये रहा इसका 3.5 mm का जैक जो कि गोल्ड प्लेटेड है और यहाँ पर एल शेप दिया गया है जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और आप देख लेते हैं जो ईयरपीस है वो कैसा है। तो ये रहा इसका ईयरपीस और ये रेड कलर में है, दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन ईयरपीस में मुझे कोई भी एमआई का ब्रांडिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। और इसका जो डिज़ाइन है कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन है जिसकी वजह से ये आपके कान में आराम से फिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट का अलग से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन सा वाला लेफ्ट में है और कौन सा वाला राइट के लिए है। तो काफ़ी बढ़िया है। और इसका जो केसिंग है, जो यहाँ पर जो ईयरपीस का जो केसिंग है वो मेटल का बना हुआ है। आप बात कर लेते हैं इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ठीक लगा मुझे, काफ़ी बैलेंस साउंड क्वालिटी है इसका। लेकिन मुझे जो कमी लगा कि इसमें जो बेस है उतना ज़्यादा बेस इसमें नहीं आपको मिलेगा। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बेस पसंद है तो आपको ये हेडफोन उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल सा माइल्ड म्यूजिक लवर हो तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा एक चॉइस है। तो काफ़ी बढ़िया है, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। जो ब्लैक कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है और रेड कलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जो इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, कान में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मुझे जो डाउन साइड लगा कि इसमें जो केबल दिया गया है वो नॉर्मल सा रबर वाला केबल है, इसमें आपको कोई भी ब्रेडेड केबल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ब्रेडेड केबल पसंद है तो एमआई का एक और ईयरफोन आता है जो कि लगभग 700 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्रेडेड केबल भी मिलेगा और बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वो हेडफोन लेना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये है और आप एक ब्रांडेड सा ईयरफोन लेना चाहते हो तो एमआई का ये बेसिक ईयरफोन आपको काफ़ी अच्छा पसंद आएगा, आप ज़रूर इसको खरीद सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और मेरा आने वाला वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आप देख सकते हो उसको दबा दीजिए। मिलता हूँ मैं एक और ऐसा ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।